गुड मॉर्निंग, टाइम हुआ है 6 o'clock, तो अभी उठ गया हूँ, हाथ में धो दिया हूँ, अभी सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाके कल की जगह मैं चाय पी लूँ। तो यहाँ पर ठंडा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन धूप आ गई है और दूर दूर तक अभी भी मतलब ड्यू दिखाई देता है। तो ऐसा तो पहाड़ों में वाइट लेयर ऑफ ड्यू दिखाई दे रहा है अभी 6 बजे तक, अभी भी चांद भी है। तो आज गांव घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इट्स ऑल फॉगी, पूरा फॉगी है। पीछे तो मैं चाय आया था लेकिन जलेबी भी मिल गया। तो अच्छा है, विजयनगर से थोड़ा 2-3 किलोमीटर नीचे की तरफ मैं अभी आ गया हूँ, जिसका ये गांव का नाम है फापरबारी। और यहाँ भी सभी लोग मतलब नेपाली हैं, जिन्होंने यहाँ 1962 के आसपास आके यहाँ पर गांव जो इस्टेब्लिश किया था। तो मुझे मिले हैं विजय दाजू, जिन्होंने मेरे को कल रात वहाँ मिल गए थे और आज यहीं पर उनके घर पर स्टे कर रहे हैं। तो ये घर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ घर है, यहाँ पर ऐसा है। तो ये घर भी ऑलमोस्ट 40-50 साल पुराना होगा। तो अब ये आ गया हूँ, कपड़ा वपड़ा धोएंगे, थोड़ा नहा देंगे, फिर खाना खा के गाँव एक्सप्लोर करेंगे। नहाना धाना हो गया, कपड़ा भी धो लिया। अभी ये है विजय दाजू का घर और हम लोग ये खाना बना रहे हैं। तो ये है टिपिकल, कैसे लगता है रेगुलर इंडिया में जो खाना बनता है, चावल चढ़ गया है, सब्जी बना दिए हैं, बस खा के गाँव घूमेंगे। विक्रम दादा ने खाना वाना बना दिया है आराम से। तो खाना वाना है, दादा जिससे दादा भी है यहाँ पर यहीं के रहने वाले, खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। विजयनगर बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर बटरफ्लाईज, बहुत सारे बटरफ्लाईज मिल जाता है। और पानी जो नदी के किनारे का पानी है, जो क्लियर पानी है यहाँ, इट्स वंडरफुल बटरफ्लाईज। गॉड वाह, लुक एट द अमाउंट ऑफ बटरफ्लाई, यहाँ का बटरफ्लाई एवरीवेयर। इतना सारा बटरफ्लाईज, तो विजयनगर में ये सब है। साथ इलायची के पेड़, तो यहाँ पर मेजर क्रॉप्स इलायची और राइस ही है। तो देवर गाँव घुमा हूँ, बहुत सारे दोस्त भी बन गए और ये देव दादा विजय दादा, और बस खाना वाना बन गया है, खाना खा के आज का दिन यही खत्म होता है।